स्वागत है कालक्षर भी एक और नई वीडियो में। तो अपने सामने है महिंद्रा बुलेरो न्यू जो कि लिमिटेड एडिशन है, जिसका एनिड मॉडल जो कि यहाँ पे आपको सेकंड बेस मॉडल, जिसका एक छोटा सा वॉकआउट रिव्यू करने की कोशिश करेंगे, जिसमें जानेंगे गाड़ी में क्या क्या प्राइस रेंज वाले हैं, क्या प्राइस फीचर रहने वाले हैं और क्या क्या गाड़ी में चेंज किया है। अगर बात की जाए फ्रंट से तो फ्रंट फेसिया कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको DRL के साथ LED लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा विद टर्न इंडिकेटर के साथ, और यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो के साथ यहाँ पे आपको सिल्वर फ्रिंज देखने को मिलेगी जो कि हेनिक्रोम ग्रिल के साथ। नीचे से आपको EIDM का ऑप्शन देखने को मिल पाएगा और कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगी फॉग लैंप की हाउसिंग, कोई भी फॉग लैंप का ऑप्शन देखने को नहीं मिल पाएगा। बात की जाए ग्राउंड क्लियरेंस की तो यहाँ पे आपको 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाएगा, कोई भी यहाँ पे आपको का ऑप्शन यहाँ पे कोई भी नहीं दिया गया है। लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर यहाँ पे रखा गया है और जो यहाँ पे आपको ORBM देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से बॉडी कलर देखने को मिल जाएगा। डोर हैंडल कोई भी बॉडी कलर देखने को नहीं मिल पाएगा। और बात की जाए गाड़ी के डैशबोर्ड की तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको गाड़ी का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा जो कि काफी बेहतरीन डैशबोर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल पाएगा। फिर से यहाँ पे आपको कोई भी डोर पे आप देख सकते हैं सिंक ऑप्शन देखने को मिलेगा, बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आपको पावर विंडो का देखने को नहीं मिल पाएगा। कुछ इस तरह से आपको कोई भी ड्राइवर सीट का ऑप्शन भी देखने को नहीं मिल पाएगा। नीचे से यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे और जो AC के पॉइंट्स रहेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश के साथ देखने को मिल पाएंगे। एंड कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा गाड़ी का क्लस्टर मीटर जो कि कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, जहां पे आपको देखेगा ट्रिप माइलेज कितने फील्ड में कितने किलोमीटर चली है सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे कंट्रोल्स और यहां पे आपको यू शेप में देखने को मिल जाएगी सिल्वर बैजिंग। एंड साथ में यहां पे आपको कुछ देख सकते हैं सिल्वर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाए। एंड कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे AC के बैंड्स जो कि यहाँ पे आपको सिल्वर क्रोम में देखने को मिल पाएंगे। एंड म्यूजिक सिस्टम की डिस्प्ले यहाँ पे आपको 2D की देखने को मिलेगी, कोई भी टच स्क्रीन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। AC के कंट्रोल्स कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, 12 वोल्ट का चार्जर, USB ऑक्स और गियर लीवर कुछ इस तरह से देखने को मिल पाएगा। एंड चारों पावर विंडो का यूज यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हालांकि इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिरर साइड पे आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ उस तरह से, और यहाँ से आपको दोनों साइड से एयरबैग की बैजिंग देखने को मिल जाएगी जो कि कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको महिंद्रा का न्यू लोगो और यहाँ पे आपको LED लाइट का ऑप्शन, यहाँ पे एक माइक का ऑप्शन भी देखने को मिल पाएगा गाइस। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर से ओवरव्यू जो कि कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिल पा रहा है। इस बेस सुपर वाले मॉडल में आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिरर का भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल पाएगा। लेके चले रियर सीट की ओर की रियर सीट में क्या स्पेस आपको देखने को मिल पाएगा। एंड अगर देखा जाए गाड़ी का रियर कैबिन स्पेस तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको रियर कैबिन स्पेस देखने को मिल जाता है। हालांकि कोई बहुत कम स्पेस नहीं है और बहुत ज्यादा भी स्पेस नहीं है, नॉर्मल एक स्पेस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अभी लेके चले गाड़ी का रियर लुक की और की रियर लुक कुछ तरह से देखने को मिलता है तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको रियर का लुक देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको वही बेस सुपर वाले मॉडल की N8 की बैजिंग और यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा 3D हेडलैम्प का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पीछे से रियर पार्किंग सेंसर एंड एक स्टेपनी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको महिंद्रा न्यू बैजिंग और यहाँ पे आपको डिफॉगर और बाइपर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कुछ अगर देखा जाए गाड़ी के रियर सीट से तो वहीं आपको देख सकते हैं दोनों सीट फोल्ड करके आपको एक अच्छा खासा बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा जो कि 248 लीटर का बूट स्पेस रहने वाला है सीट फोल्ड करके। और कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको ये कंट्रोल्स भी देखने को मिल पाएंगे। एंड कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी साइड प्रूफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको कोई भी व्हील कैप का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है इस मॉडल में, लेकिन टायर साइज यहाँ पे आपको 15 इंच का भी देखने को मिल पाएगा। बात की जाए गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पे आपको 1500 cc वही 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है जो कि 98 BHP की पावर जनरेट कर देता है। गाइज अगर फ्रंट लुक की बात की जाए ना तो फ्रंट लुक काफी अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो फ्रंट का लुक है ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिलता जुलता आपको TUV की भी याद दिला देता है। वहीं पर अगर बात की जाए गाड़ी के प्राइस रेंज की तो यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए का एक्सोरूम प्राइस देखने को मिल पाएगा इस गाड़ी के साथ। और अगर देखा जाए गाड़ी का माइलेज तो यहाँ पे आपको 17.29 KMPL का माइलेज देखने को मिल पाएगा जो कि इस डीजल इंजन के साथ। अगर बात की जाए गाड़ी के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी देखने को मिल जाएगा और एक बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल पा रहा है इस गाड़ी के साथ। बात की जाए गाड़ी का परफॉर्मेंस रोड प्रेजेंट में कैसा रहने वाला है तो एक अच्छा खासा रोड प्रेजेंट गाड़ी की रहने वाली है, क्योंकि जो गाड़ी का वेट है काफी अच्छा खासा वेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर सेफ्टी में देखा जाए तो यहाँ पे आपको डुअल एयरबैग ABS CVT ब्रेक का भी ऑप्शन देखने को मिल पाता है इस गाड़ी के साथ। एंड सो गाइस अगर पर्सनली बात की जाए गाड़ी के लुक को लेके तो गाड़ी का लुक जो ब्लैक कलर में ना काफी अल्टीमेट निकल के आता है, जो ब्लैक फिनिश है ना महिंद्रा के साथ काफी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ब्लैक कलर में महिंद्रा ने अपनी जितनी भी गाड़ियां लॉन्च की है ना काफी अल्टीमेट लुक देता है। अगर इसी की बात की जाए तो लुक आप यहाँ से भी देख सकते हैं, एकदम बिल्कुल दबंग अल्टीमेट लुक है यहाँ पे। और
वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।